करते हैं कानपुर से खबर। देखिए मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से अखिलेश यादव नाराज नजर आ रहे हैं। रात 1 बजे तक टेलीफोन पर चली मीटिंग बेनतीजा रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में सहमति नहीं बन रही है। बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। रात 1 बजे तक दोनों दलों के बीच में मीटिंग चली लेकिन नेता सहमति नहीं बना पाए। कानपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमपी में सीट बंटवारे का निर्णय कांग्रेस को करना है, अगर एमपी में सहमति नहीं तो भविष्य में विचार करेंगे। साफ तौर पर देखिए एक संकेत देते हुए अखिलेश यादव यहां पर नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को नहीं दी सीटें, यूपी में वही फॉर्मूला लगाने पर हम विचार कर रहे हैं, यानी कि अलायंस को लेकर अखिलेश ने सख्त संदेश दे दिया है, हम भी भविष्य में इस चीज पर विचार करेंगे। यूपी में लोकसभा सीट बंटवारे पर पेच फंस सकता है, एमपी में सपा को सीट नहीं तो वही फॉर्मूला यूपी में लगेगा। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए साफ संकेत ये दिया जा रहा है। समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं अब छोड़िए, वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया, सीट बंटवारे पर कांग्रेस को निर्णय करना होगा, अखिलेश यादव ने साफ कहा। और जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में बन रहा है वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी बनेगा, यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस को संकेत देते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश चुनाव में सहमति नहीं बनी। समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं अब छोड़िए, वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो देखिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे कानपुर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सहमति नहीं बन रही है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस को निर्णय करना है। मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि 1 बजे तक मीटिंग हुई है, उसके बावजूद भी सहमति नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी, वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जाएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को भाव देती हुई मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रही है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भाव नहीं देगी। संकेत अखिलेश यादव की तरफ से यही दिए जा रहे हैं, सहमति नहीं तो भविष्य में विचार करेंगे, एमपी में हमको नहीं तो यूपी में तुमको भी नहीं। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर संदेश, तो देखिए ये जानकारी किस तरह से। और स्वाति पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सहमति जो है वो नहीं बन रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो सीटें नहीं दे रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम विचार करेंगे, मध्य प्रदेश में अगर हमको नहीं तो यूपी में तुमको भी नहीं, सीधा संदेश देने की कोशिश। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने जो कहा है शांतनु, वो कांग्रेस
को लेकर कहा है और कांग्रेस पार्टी तक वो पहुंचेगी तो आगे इस पर विचार विमर्श भी किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से बातचीत इस मसले पर हुई थी मध्य प्रदेश को लेकर कि सीटें दी जाए समाजवादी पार्टी को, लेकिन जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को लेकर अपनी जो सूची है उसको जारी की, उस सूची में उन सीटों का भी जिक्र सामने आया, उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए जहां पर समाजवादी पार्टी से उन सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही थी और समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो लगातार इस बात को कह रहे थे जब सूची आई तो उसके बाद से वो लोग भी अचंभे में थे कि किस तरह से जब कांग्रेस पार्टी एक तरफ समाजवादी पार्टी से बातचीत कर रही है कि इन सीटों पर कुछ सीटें ऐसी थी शांतनु जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बातचीत समाजवादी पार्टी से हुई थी कि इन सीटों पर ये सीटें जो है ये समाजवादी पार्टी को दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत होने के बावजूद भी उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और इसीलिए अब अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी, प्रत्याशी नहीं उतारने का मौका दी तो आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो बड़ी पार्टी है तो यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है वो आमने सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी देखने को मिल सकती है क्योंकि इंडिया गठबंधन के दोनों पार्टी हिस्सा है। उसके बावजूद भी अगर हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते हैं तो एक बैठक अब तक दिल्ली में हुई है, सीटों को लेकर फाइनल मंथन अब तक नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश इससे पहले अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, उन्होंने प्रचार भी किया है, जनसभा की है, रीवा की बात करते हैं वहां पर अखिलेश यादव ने प्रचार किया और सीटों को लेकर लगातार अखिलेश यादव की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत चल रही थी लेकिन अब अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं ये साफ जताता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं इस पर नाराज है कि जो बातचीत हुई थी सीटों को लेकर। बिल्कुल स्वाति, और देखिए इसी पूरे मसले पर कहा जाए कि इस पूरे मसले पर अब कांग्रेस के यूपी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अब ये इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कौन लेगा कौन देगा, हमारा काम प्रदेश अध्यक्ष का 80 सीट की तैयारी। अब वो निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव अखिलेश की शर्तों पे लड़ेंगे कि अपनी शर्तों पे? नहीं, हमारा अपना काम करने का तरीका, मैंने कहा ना कि हमारे प्रदेश में 80 सीट की तैयारी है, 80 सीट की अपनी तैयारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी है, भानवी सिंह ने कोर्ट में